हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। अभी हम मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पे ही डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का सब्जेक्ट से। तो इसमें हमारे को अभी इस समय ऑप्शन देख पा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू मैन्युफैक्चर सपोजिटरीज। तो इसमें एक आंसर आपको सही सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड सपोजिटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं हैंड मॉडलिंग, ए ऑप्शन, बी कंप्रेशन मोल्डिंग, सी ऑप्शन और मोल्डिंग एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये जो हम मेथड्स देख पा रहे हैं ये चार ऑप्शंस में से एक राइट आंसर से जो आपको सेलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस। अब इसमें एक बताना है कि मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस कौन सा है। तो एक राइट आंसर हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। तो अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस के अभी साथ के साथ राइट आंसर बना देते हैं क्योंकि तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्वेश्चन था और किस तरह से उसका राइट आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा मेथड यूज होता है सपोजिटरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम ऊपर तीन मेथड देख पा रहे हैं। तो यानी इसका राइट आंसर से ऑल ऑफ द एबव। तो यानी सारे ऊपर वाले मेथड्स सपोजिटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस। यहाँ पर राइट आंसर इज कोका बटर। कोका बटर की प्रॉपर्टीज है कि वो एज ए रूम टेम्परेचर्स या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स पर ही मेल्ट कर जाता है। जैसे पीजी 1000 है तो ये जनरली क्या है कि रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड कंडीशंस में होते हैं, या हम इसे अगर हाथ पर रख लें या फिर हथेली पर रख लें तो भी ये मेल्ट नहीं होगा। तो कोका बटर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम बॉडी टेम्परेचर्स पर भी हम उसको हाथ पर भी टच करेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड पीजी हेक्सा निट्रोल्स ये भी सब पीजी के ही रूप हैं, ये भी सब बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करते एंड नन ऑफ द। तो यानी राइट आंसर इज कोका बटर। तो यहाँ पर हम अनदर ऑप्शंस देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोका बटर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म्स। तो कोका बटर कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं ए अल्फा फॉर्म, बी बीटा फॉर्म, सी गामा फॉर्म एंड डी ऑल। तो कोई एक आंसर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22, द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ कोका बटर लाइज बिटवीन। तो ऑप्शंस है ए 12 से 13 डिग्री सेल्सियस, बी 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस, सी 5 टू 10 डिग्री सेल्सियस और डी नन। तो एक राइट आंसर्स आप इसमें सेलेक्ट करिए और आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर है। देन अब हम बात करते हैं इसके राइट आंसर्स की। तो यहाँ पर कोका बटर जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो ऑल फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, यानी अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, गामा फॉर्म्स। ठीक है, मैन क्वेश्चन नंबर 20 का था सॉलिडिफिकेशन पॉइंट्स ऑफ कोका बटर लाइज बिटवीन। तो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट से मतलब क्या है कि जो उस टेम्परेचर से नीचे सॉलिड कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाए। तो लगभग पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, यानी 12 से 13 डिग्री पर जो हमारा कोका बटर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 12 से 13 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर अगर है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम जनरल बात करें तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। और अगर फारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। यानी अगर हम जैसे ही ये कोका बटर बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है या हम उसे अगर सपोजिटरी में यूज कर रहे हैं, हम रेक्टम यूज कर रहे हैं या वेजाइनम यूज कर रहे हैं या यूरेथ्रा यूज कर रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है। उस कंडीशन में क्या है, जैसे ही सपोजिटरीज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो मेल्ट हो जाती है, इसीलिए उससे कम टेम्परेचर पर वो सॉलिड कंडीशन में रहता है। तो इसीलिए इसमें कोका बटर हम इसमें यूज करते हैं एज ए सपोजिटरी बेस। तो राइट आंसर इज 12-13 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
सा है जो सपोजिटरी को बना देते हैं, बहुत समय से यूज हो रहा है और पुराना भी मेथड हो चुका है, काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है ओवर मोल्डिंग, बी एंड मोल्डिंग, सी कंप्रेशन मोल्डिंग और डी ओवर द एरर। तो यहाँ पर जो सबसे पुराना मेथड है दिस इज डी एंड मोल्डिंग मेथड्स और मेकिंग सपोजिटरीज। क्वेश्चन नंबर 24, सपोजिटरीज आर जनरली इवैल्यूएटेड बाय। सपोजिटरीज को किस मेथड से इवैल्यूएट करते हैं कि सपोजिटरी प्रॉपर भी बनी हुई है या प्रॉपर उसको यूज करने के लिए चांस हमने खुद रेडी कर लिया है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए मैटिंग रेंज टेस्ट, बी ब्रेकिंग रेंज ब्रेकिंग टेस्ट, सी लिक्विफैक्शन और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑल एबव। तो इस प्रकार से हमारे लगभग 24 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं। हम आपको जनरल बता दें कि जो आपका 80 नंबर का एक्सटर्नल टेस्ट है या एक्सटर्नल जो एग्जाम्स है उसमें आपको 80 नंबर का पेपर मिलेगा प्लस 20 नंबर के सेशनल्स। सेशनल तो पुलिस प्रोवाइड करता है या कॉलेज आपकी सेशन के आधार पर मार्किंग करेगा। बाकी जो 80 नंबर का पेपर है उसमें आपके 20 नंबर के सेशनल्स, जो 20 नंबर का 60 में 80 में से 20 नंबर का जो पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से तैयार करें कि आप प्रॉपर 20 में से 20 नंबर लाएँ, जिससे आप इजीली सब्जेक्ट को पास कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग ये